उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों ने आज जन आक्रोश आंदोलन किया था। इस आंदोलन में राहुल गांधी को देश से माफी मांगने की मांग की गई। राहुल गांधी, राहुल गांधी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। के 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के एक सभा में राहुल गांधी ने भरी सभा के अंदर मोदी आज्ञा इनको गाली दी और कहा कि क्यों मोदी आज्ञाओं वाले लोग ही सब चोर हैं। उन्होंने एक समाज को, एक समुदाय को, तेली समाज और ओबीसी समुदाय से संबंध रखने वाले मोदी समुदाय को उन्होंने गाली दी और उन्हें उन्हें चोर कहा, जिसके विषय में किसी ने जनहित याचिका सूरत में दाखिल की थी और परसों उसके निकाल में राहुल गांधी को 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है और उनका संसद सदस्य पद भी रद्द किया गया है। उनको जब सजा सुनाई गई उसके बाद भी उन्होंने पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो मैंने कहा है, कोर्ट का सम्मान करते हुए मैं जनता से माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांगने के बजाय उन्होंने कोर्ट पर भी टीका टिप्पणी की है और भारतीय लोकतंत्र के विरोध में संविधान का विरोध किया है, कोर्ट का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि यह जो कोर्ट है वह सत्ताधारी पक्ष के इशारों पर काम कर रही है, इसके लिए उन्होंने भारतीय कोर्ट का अपमान किया है, ओबीसी समाज का अपमान किया है, तेली समाज का अपमान किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के सम्मान में सभी जिलों में महाराष्ट्र के आंदोलन कर रही है और राहुल गांधी को पूरे लोगों से, जनता से जाहिर माफी मांगनी चाहिए, ऐसा आह्वान करती है। अगर माफी नहीं मांगते तो भारतीय जनता पक्ष की क्या भूमिका रहेगी? माफी नहीं मांगेंगे तो भारत की जनता उनका, कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ कर देगी और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी किसी भी जिले में महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी को घुसने नहीं देगी, उसका काला मुंह करेगी। भारतीय जनता पार्टी जय। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।